नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 7,000 रुपये के अंदर टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में। तो गाइस, अगर आपको यार बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत अच्छा कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले चाहिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं जब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ सिर्फ 7,000 रुपये तक। तो गाइस, अगर आपका बजट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट है और आप एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो यार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कोई भी रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ। और गाइस, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ हिंदी। तो गाइस, चलिए बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे फ़ोन की यार, जहाँ पर आपको 7,000 रुपये के अंदर ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पोको की, और पोको C3 आपको मिल रहा है 7,000 रुपये में, जहाँ पर आपको मिल जाएगी 3 GB रैम, 32 GB की इंटरनल मेमोरी, जिसे आप एक्सपांड भी कर पाएंगे 512 GB तक। और फ्रेंड्स, बात करूँ यहाँ पर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की यार, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है और वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। चलिए गाइस, बात करते हैं मेन फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 6.53 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले। और गाइस, बात करूँ कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर दिए गए हैं, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 MP का और 5 MP का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस, अगर बात की जाए इमेज क्वालिटी की यार, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बजट रेंज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बहुत अच्छी बैटरी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है यहाँ पर परफॉर्मेंस की यार, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek Helio G35 का। तो गाइज़, अगर आप नॉर्मल यूजिंग के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, डे टू डे यूजेज के लिए कोई स्मार्टफोन चाहते हैं, गाइज यहाँ पर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं यार, तो वो भी यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। तो गाइज, अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मायने नहीं रखता है और ज़्यादा रैम और स्टोरेज चाहिए, तो गाइज आप इस फ़ोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइज, बात करते हैं यहाँ पर अगले फ़ोन की। तो अगला फ़ोन है दोस्तों यहाँ पर रेडमी की तरफ से, Redmi 8A Dual। गाइज, थोड़ा सा पुराना फ़ोन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर। चलिए गाइज, बात करते हैं यहाँ पर इस फ़ोन की। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइज, यहाँ पर आपको स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपका फ़ोन बारिश या फिर थोड़े मोड़े पानी में भीग जाता है, तो गाइज यार यहाँ पर आपके फ़ोन को कुछ नहीं होगा, आपका फ़ोन बिल्कुल भी सेफ रहेगा। गाइस, बात करूँ यहाँ पर इस फ़ोन की, तो यहाँ पर आपको दी गई 2 GB रैम, 32 GB की इंटरनल मेमोरी, जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 512 GB तक। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी आपको मिल जाता है 7,000 रुपये में। और मैं बात करूँ अगर इसके मेन फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 6.2 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस, बात करो अगर कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको डबल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 MP का और 8 MP का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस, अगर आपको अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए, तो यार आप इस फ़ोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको जो बैक कैमरा दिया गया है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। गाइस, मैं बात करूँ अगर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग दी गई है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको USB Type-C की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। और गाइज, अगर आप डेली यूज़ के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल जाए, तो गाइज यार यहाँ पर आपको दिया गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। और गाइज, अगर आप लॉन्ग टर्म कोई स्मार्टफोन चलाना चाहते हैं, तो यार ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो गाइज, अगर आप चाहें यार, तो इस फ़ोन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइज, बात करते हैं यहाँ पर इस लिस्ट के सबसे आखिरी फ़ोन की, जो कि है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स IN1B। गाइज, ये जो स्मार्टफोन है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट सा दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, USB Type-C की पोर्ट दी गई है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। तो गाइज, आपका जो पूरा डेटा है, वो पूरी तरह से सिक्योर होगा। और साथ ही गाइज, यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी ऐप्स या एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलेंगे। और गाइज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अपडेट्स की, तो यहाँ पर आपको 2 साल के गारंटीड अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको दी गई है 2 GB रैम, 32 GB की इंटरनल मेमोरी, जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 128 GB तक।
फ्रेंड्स ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा 7000 रुपये में। चलिए गाइस बात करते हैं मेन फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको दी गई 6.52 इंचेस की बड़ी HD प्लस की डिस्प्ले। बैक में यहाँ पर आपको डबल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और जहाँ पर दोस्तों आपको इमेज क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। अगर इस बात करूँ दोस्तों यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की यार, तो अगेन गाइज यहाँ पर आपको दिया गया है MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर। तो गाइज यार यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी इस प्राइस रेंज के हिसाब से। साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है, तो गाइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन देखने को मिल रहा है माइक्रो मैक्स की तरफ से। तो गाइज अगर आप चाहते हैं तो आप इस फ़ोन को भी ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग M01 ले सकते हैं। गाइज यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, छोटी डिस्प्ले दी गई है, लेकिन दोस्तों फोन काफ़ी बढ़िया है सैमसंग की तरफ से। अगर आप चाहें तो यार इस फोन को भी ज़रूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस ये थी हमारी तरफ से टॉप 3 स्मार्टफोन्स की लिस्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।